छात्र राजेश कुमार, झारखंड में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा चल रही है और इस यात्रा में शामिल होने के लिए रोज पार्टी के बड़े बड़े नेता झारखंड का रुख कर रहे हैं। इसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी बोकारो पहुंचे। यहां उन्होंने घुसपैठ के मुद्दे पर ममता सरकार को घेरा। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि झारखंड और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ के लिए ममता बनर्जी की सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बांग्लादेश सीमा पर 72 जगहों पर बाढ़ लगाया जाना था, लेकिन ममता सरकार ने जमीन उपलब्ध नहीं कराई, जिस वजह से बाढ़ नहीं लग सकी। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अगर ऐसा ही चला तो पश्चिम बंगाल और झारखंड हाथ से निकल जाएगा। इधर चुनाव आयोग की टीम के सामने भी बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया था और कहा कि संथाल परगना में कुछ जगहों पर मतदाताओं की तादाद जिस तरीके से बढ़ी है वो बिना घुसपैठ के मुमकिन नहीं है, इसलिए फर्जी वोटर्स और घुसपैठियों की जांच होनी चाहिए। आज पंचायत में हम इसी की बात करेंगे। अनमेंड है 72 प्लेसेस जहां से हेफाजत जमात और रोहिंगा सब घुस रहा है बंगाल में। अभी आबादी वो लोग का हो गया है 35%। मान लीजिए हमारी हिंदू के लिए ये शेष चुनाव है, बीजेपी तो रहेगा देश में रहेगा, 100 साल रहेगा, लेकिन केंद्र सरकार, लेकिन हमारा झारखंड और पश्चिम बंगाल इसको रक्षा करने के लिए यहाँ भाजपा का डबल इंजन का सरकार लाना चाहिए। घुसपैठी है तो इनका कोई एक सोल्यूशन निकालना चाहिए, निराकरण करना चाहिए। तो मतदाताओं का पहचान पत्र जो है तो वो तो बन जाता है, परंतु आधार कार्ड जो मूल है उसको जांच का विषय है कि फर्जी आधार कार्ड के आधार पर मतदाता जो बनते हैं उसका जांच किया जाए। नहीं, जो प्रचार करने आते हैं अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन वैसे उदंड नेताओं पर रोक लगाई जाए जो भारत की अखंडता, एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने का काम करते हैं। जो भी ऐसा कोई करेगा, एक तो झारखंड की जनता इस तरह की भाषा को पसंद नहीं करती है, लेकिन चुनाव आयोग का कर्तव्य है कि ऐसे तत्वों पर अंकुश रखे। स्वाभाविक तौर पर आप देखें कि लगातार जिस प्रकार सामाजिक सौहार्द को और सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए, चाहे वो हेमंत बिश्व शर्मा हो, शिवराज सिंह चौहान हो या कई ऐसे नेता हैं जो परिवर्तन यात्रा में इस राज्य में आकर के इस राज्य के माहौल को खराब करना चाह रहे हैं। तो जो शुभेंदु अधिकारी ने कहा है, दरअसल वो बयान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए घुसपैठ का मुद्दा उठा रही है और हर मंच पर, हर जगह प्रधानमंत्री आए उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया, गृह मंत्री आए उन्होंने भी ये मुद्दा उठाया और बीजेपी की परिवर्तन रथ यात्रा जहां से निकल रही है वहां पर इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। और खास तौर पर बात हो रही है संथाल परगना की। ये कहा जा रहा है कि घुसपैठियों की वजह से डेमोग्राफी बदल रही है। तो इतना अब तक साफ हो चुका है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठ का रहने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। अब पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ भी कहा है उसका क्या असर है, उसके क्या मायने हैं, आज इसी पर हम बात करेंगे। तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनुष खत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर तनुष खत्री, आपका बहुत स्वागत है। ऋषि सिंह है, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता है। ऋषि जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ। जुड़ेंगे अभी श्री पूजन पाठक, मीडिया प्रभारी है झारखंड बीजेपी के, और शंभुनाथ जी राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शंभुनाथ जी, आपका बहुत स्वागत है। तो लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेता झारखंड में आ रहे हैं, तो परिवर्तन यात्रा का जो शेड्यूल है, परिवर्तन यात्रा को जिस तरीके से प्लान किया गया है, इसमें लगातार बड़े बड़े नेताओं के झारखंड आने का दौरा जारी है और जिस तरीके से बयान आ रहे हैं उस पर हम आज बात करेंगे। तो तनुज जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात, तो सबसे पहले तनुज खत्री आपके पास ही जाना चाहेंगे कि आज पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ भी कहा है उसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है राजेश जी कि झारखंड में कुछ ही समय के बाद चुनाव होने वाले हैं और उस चुनाव में एक अहंकारी पार्टी, जिसका अहंकार देश की जनता ने लोकसभा के चुनाव में आधा कर दिया है, या यूं कहें कि पूरी तरह से खत्म कर दिया है, लेकिन वो झूठे अहंकार जो उनकी यूएसपी रही है, जहरीले बोल, उसको लेकर के वो
तमाम जगहों से, क्योंकि झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के पास तो कोई नेता नहीं है कि वो कोई कुछ बोल पाए, ना उनके पास कोई नीति है, ना नियत है और ना नेता है। लेकिन इस तरीके के अलगाववादी किस्म के लोग, जहर उगलने वाले लोग को झारखंड में भेजती है भारतीय जनता पार्टी, और जब वो पूछते हैं अपने आकाओं से कि हम वहां जाएंगे तो क्या बोलेंगे, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट निर्देश रहता है कि वहां जाइए और हिंदू मुसलमान करिए। अभी मैं इनको सुन रहा था, ये कह रहे थे कि 35% हो गए हैं बंगाल में। तो कौन 35% हो गए हैं? ये भारत में रहने वाले, भारत में और वेस्ट बंगाल में रहने वाले मुसलमान समुदाय, मुस्लिम समुदाय के लोगों की बात कर रहे हैं या घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? तो इनको तो सवाल पूछना चाहिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से, इनको तो सवाल पूछना चाहिए अपने बड़बोले असम के मुख्यमंत्री से कि वो क्यों नहीं रोक पा रहे हैं तब, तो अगर घुसपैठ हो रहा है तो। लेकिन ठीक ये है। झारखंड है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो ये ठीक चाह रहे हैं कि धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए, लेकिन असफल होंगे ये राजेश। ठीक है शिवपूजन जी, अगर आप सुन रहे हैं मुझे शिवपूजन जी, तो आज मैंने जो सुना शुभेंदु अधिकारी को, ठीक है कल निर्वाचन आयोग की टीम के सामने भी आपने कहा कि संथाल परगना में कई कई मतदान केंद्र ऐसे हैं जहां पर दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है, इतना कैसे बढ़ सकता है, लगातार घुसपैठ का मुद्दा उठ रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि डेमोग्राफी बदल रही है, लेकिन आज शुभेंदु अधिकारी ने जो कुछ भी कहा वो तो ऐसा कह रहे हैं कि वो तो हेमंत सोरेन को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की वजह से हुआ, दोनों तो अलग अलग पार्टी है ना सिपुजन जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि झामुमो के लोग हताशा निराशा में अब ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं जिसका कोई सिर पैर नहीं। मैंने अभी सुना झामुमो के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यदि घुसपैठियों की बात करना हिंदू मुसलमान है तो फिर घुसपैठियों के समर्थन की बात जो कर रहे हैं उसको क्या कहा जाए? भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। भारत के लोग चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, सभी धर्मों का सबका साथ सबका विकास। लेकिन घुसपैठियों को अगर ये मुस्लिम के नाम पर समर्थन करते हैं तो इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति कुछ नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर बांटने की बात नहीं की। जिसके साथ सत्ता चला रहे हैं कांग्रेस के साथ, जिसने देश का विभाजन ही हिंदू और मुसलमान के नाम पर कराया, उसके साथ ये सत्ता चला रहे हैं। इसलिए ये कहना भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की, न तो सत्ता में कभी विभेद किया, आप चाहे केंद्र की सरकार देख लें या स्टेट में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, कभी भी हिंदू मुसलमान के नाम पर कभी कोई, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास देना हो, सड़क देना हो, बिजली देना हो, गैस सिलेंडर देना हो, आयुष्मान कार्ड देना हो, एक भी योजना, कोरोना का टीका लगाना हो, किसी भी कल्याणकारी योजना में हिंदू और मुसलमान बांट करके नहीं दिया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि आज जब बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण जब डेमोग्राफी यहाँ की बदल रही है और झारखंड की अस्मिता को चुनौती दी जा रही है, उसको ये वोट की राजनीति के कारण, ठीक ये है उसको तुष्टिकरण के कारण सिपुजन आज झामुमो के लोग उसका समर्थन कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि नहीं, ये हिंदू मुसलमान करते हैं ये मैं सरासर गलत सिपुजन जी है, मेरी बात और सुनिए, झामुमो को सिपुजन जी मेरी आज बात सुनिए, ही मेरा सवाल सुन लीजिए ना, मेरा राजहित सवाल में सुन लीजिए, सोचना चाहिए। नहीं सिपुजन जी मेरा सवाल ये है कि अगर यही मुद्दा कोई और उठा रहा होता ये तो सवाल केंद्र सरकार पे हो जाता। ये जेएमएम के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता बार बार कहते हैं कि घुसपैठ घुसपैठ के लिए तो केंद्र सरकार से जवाब मांगना चाहिए, राज्य सरकार से क्यों? देखिए ये मुद्दा तो अब माननीय न्यायालय ने इसको संज्ञान में लिया है और न्यायालय जिस प्रकार से निर्देश दिए हैं और जिस प्रकार से यहां की सरकार ने झूठी एक अपना ये प्रस्तुत किया है, अपना जवाब प्रस्तुत किया है, उससे स्पष्ट है कि कैसे आज झारखंड की सरकार घुसपैठियों के पक्ष में खड़ी है। यदि इन्होंने पहले तो साफ साफ इनकार कर दिया कोई घुसपैठिया नहीं है और बाद में स्वीकार करते हैं कि हाँ है, तब जाकर के आज ये स्थिति बनी है कि केंद्र सरकार और यहाँ के न्यायालय ने कहा है कि नहीं आप झूठे झूठी बात कर रहे हैं, झूठा है आप
यहाँ पर जवाब दायर कर रहे हैं, आप फिर से इसको बताइए और पूरी तरह से उन्होंने सभी जिलों को निर्देश दिया है अलग से, तो ये कहना आप उसी से समझ लीजिए कि कितना ये पक्ष में खड़े हैं घुसपैठियों के। ठीक है ठीक है, आता हूँ मैं सिपुजन जी आपके पास। ऋषि सिंह जी, झारखंड कांग्रेस के प्रवक्ता है, ऋषि जी बात तो बिल्कुल सही है कि घुसपैठियों का मुद्दा उठाना ये कहां से हो गया हिंदू मुसलमान का मुद्दा? ऋषि जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वो दौर आ गया है, जितना मेहनत वो घर घर अपनी उपलब्धि पहुंचाने के लिए कर रहे हैं उतना ही भारतीय जनता पार्टी का नाकामी पहुंच रहा है। पिछले 10 साल से बीजेपी हर घर झूठ जुमला और प्रपंच पहुंचाने का काम कर रही है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी सिर्फ डर की राजनीति करते हैं। कई व्यापारी ऐसे होते हैं उनके पास सिर्फ एक आइटम होता है, उन्हें सिर्फ उसी को बेचना होता है। झारखंड में बीजेपी की हालत उसी तरह की है, इन्हें सिर्फ घुसपैठ का डर बेचना है। मैं पूछना चाहता हूं कि 2014 से 2024 केंद्र में भाजपा की सरकार है और 2014 से 2019 झारखंड में भी भाजपा की सरकार थी। जब 2014 से 2019 सेंटर और स्टेट दोनों में भाजपा की सरकार थी, इन्होंने कितना घुसपैठिया को आइडेंटिफाई किया, घुसपैठ रोकने के लिए क्या कदम उठाए, कितने घुसपैठिए को पकड़ के जेल भेजा, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गृह मंत्रालय के अंदर में आता है, इंटेलिजेंस गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। अगर घुसपैठिया झारखंड घुस रहे हैं इसका मतलब कि गृह मंत्रालय फेल है। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने गृह मंत्री से पहले इस्तीफा देना चाहिए। और मैं बताता हूँ आपको सच्चाई, घुसपैठ का मुद्दा क्यों उठाया जा रहा है। चुनाव का समय आ गया है झारखंड में, धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए लोग घुसपैठ का मुद्दा उठा रहे हैं। ठीक है, झारखंड को जलाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, अंतिम 10 सेकंड लूंगा, और झारखंड को तोड़कर अलग संस्थान परगना राज्य बनाने का तैयारी चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का एक गलत मंसूबा को झारखंड की जनता, कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन की सरकार कभी पूरा नहीं होने देगी। ठीक है, एक चीज मैं अंतिम में पूछना चाहता हूँ। कल ही बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस, जो अंतरिम सरकार के वहां के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भारतीय उच्चायुक्त को लिखित आवेदन दिया है कि आप बांग्लादेश घुसपैठ पर बार बार स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो आप इसका लिखित जवाब दीजिए। 24 घंटा से ज्यादा हो गया, भारत का विदेश मंत्रालय अभी तक जवाब नहीं दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप राजनीतिक आरोप करते आरोप लगा रहे हैं। ठीक है ऋषि जी, मैं इसका जवाब ले लेता हूँ। ठीक है ऋषि जी ठीक है, ठीक है ऋषि जी, मैं आता हूँ, इसका भी जवाब ले लेंगे। शंभुनाथ जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। शंभुनाथ जी, शुभेंदु अधिकारी बड़े पद पे हैं, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य के नेता प्रतिपक्ष हैं, और वो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, और दूसरी बात बीजेपी जिस तरीके से, चूंकि चुनाव आयोग के पास भी जाके कहा गया कि संथाल परगना में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर दोगुना से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं, ये कैसे मुमकिन है? तो ये इन सारे मुद्दों को अगर हम जोड़े तो क्या नजर आ रहा है अभी सामने, चूंकि सामने विधानसभा चुनाव है? शंभुनाथ जी देखिए, अपने अपने हिसाब से मुफीद मुद्दों की तलाश हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को घुसपैठ का मुद्दा सूट करता है और वो इस मुद्दे को उठा रही है प्रमुखता के साथ। वो ये चाहती है कि इसके आधार पर एक ऐसा नरेटिव बने जिसके आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो। हिंदू मुसलमान की बात तो नहीं, लेकिन एक ध्रुवीकरण की कोशिश तो जरूर है इस मुद्दे के पीछे। अब रहा कि ये मुद्दा कितना असल है, कितना वो है, देखिए मुद्दा तो है कई राज्यों में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मुद्दे को पूरी तरह खारिज भी नहीं किया जा सकता कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है वो नहीं है। इसकी जिम्मेदारी की जो बात होती है, मैं कोर्ट का जो डिसीजन है, या कोर्ट का जो डिसीजन नहीं कहिए, कोर्ट की जो टिप्पणियां आई है उस पर गौर करने की जरूरत है। कोर्ट ने दोनों सरकारों से जवाब मांगा, केंद्र से भी मांगा, राज्य से भी मांगा, दोनों के अपने अपने तर्क हैं, दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। और ये जरूर है कि घुसपैठ एक ऐसा मुद्दा है जिसको रोकने का काम दोनों सरकारों की संयुक्त तरीके से, अगर सरकार एक इस फ्रंट पर लड़ती है तो यह मुद्दा जो है वो सॉल्व हो सकता है। ऐसा बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि घुसपैठ जो है वो है नहीं। चुनाव के समय ये मुद्दा जो उठाया जा रहा है, या चुनाव के समय ये जो बात हो रही है, इसके पीछे अपनी एक कोशिश है। और जो कितनी बड़ी समस्या लगती है आपको झारखंड राज्य के अपने हिसाब से कह रही है, घुसपैठियों का मुद्दा कितनी बड़ी समस्या है अगर राजनीति से हट के सोचे तो? नहीं, मैं देखिए, समस्या को तो आप पूरी तरह खारिज नहीं कर सकते। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट भी बार बार ये बात कह रही है, और इसकी जब ये सवाल उठ रहे हैं तो
इसकी जांच तो होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जांच को भी खारिज कर दें, जांच ना हो इस मुद्दे की, यह गलत बात है। अब घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी है, तब जो है एक दूसरे पे फेंका फेंकी हो रही है। ये केंद्र सरकार की बात करते हैं, दूसरे लोग ये हेमंत सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं। ठीक बात भी है, सवाल ये भी है कि पिछले हेमंत सरकार जो है वो 4.5 सालों से है और ये समस्या कोई अचानक से तो पैदा हुई नहीं है, तो ये बात तो जरूर तय होनी चाहिए कि भाई इसके खिलाफ जो है राजनीतिक, अगर ये मुद्दा है तो इसको राजनीति से हटके इस मुद्दे को सही तरीके से एड्रेस करने की जरूरत है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को समन्वित तरीके से, जिसकी बात भी है कि 30 तारीख को एक बैठक होने वाली है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, और उसमें एक संयुक्त कार्य योजना जो है वो तय होनी है। इस दिशा में कुछ काम हो जाए तो बड़ी बात होगी। बहरहाल ये मुद्दा जो है वो राजनीतिक हिसाब से अपने अपने एंगल से जो है इसको परिभाषित कर रहे हैं लोग, अपने हिसाब तरीके से बयानबाजी जो है वो जारी है। ठीक है तनुज जी, चुनाव आयोग के सामने भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ने कहा, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि जो फर्जी वोटर्स हैं उसकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उसकी जांच कराने की जरूरत है, आधार देने की जरूरत है, कि आखिर 2 गुने वोटर कैसे बढ़ सकते हैं कुछ बूथों पर। ये तो शिकायत उन्होंने की थी आयोग की टीम से। तनुज जी, अरे ये शिकायत कर रहे हैं तो ये शिकायत क्यों नहीं करते हैं अमित शाह जी से, क्यों नहीं जाकर के पूछते हैं कि 10 सालों में 10.5 सालों में क्या किया, क्यों नहीं लगाम लगा पाए अगर घुसपैठ है भी तो। ये बताने का काम भी हम नहीं कह रहे हैं, कई बार माननीय हाईकोर्ट ने भी केंद्रीय गृह मंत्रालय से ये पूछने का काम किया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछने का काम किया है, सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है कि ये आपका जुरिडिक्शन का मामला है, इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है। आपको इतनी ही दिक्कत है तो दे दीजिए गृह मंत्रालय। तनुज अभी अभी आपके सामने श्री पूजन जी कह रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं कोर्ट के पास जाके, अभी कहा उन्होंने थोड़ी देर पहले। अरे ये क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता है, इनका तो आदत ही है झूठ बोलना, ये तो आंख में आंख मिला के झूठ बोलते हैं, तो फिर भी कैमरे पे बोल रहे हैं झूठ। आप क्यों नहीं पूछते हैं अमित शाह जी से जाकर के, क्यों नहीं पूछते हैं अमित शाह जी से जाकर के कि क्या हुआ। आपको जवाब सीधे, देखिए ये बच्चा भी अब झारखंड का इस पर दिलचस्पी ले रहा है इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, हमारे पास हमारी सरकार ने जो योजना लाई उसके जवाब में इनके पास कुछ नहीं, घुसपैठ। अरे है तो आप, हम उससे अगर वो है तो आप जारी कीजिए, उसमें आप बोलिए गृह मंत्रालय को, उसमें लेटर जारी करे, बताए लोगों को कि कितने लोग आए कितने लोग नहीं आए, आपने क्या कार्रवाई की। ठीक है सिपूजन जी, रिप्लाई करिए सिपूजन जी। देखिए मैं तो अभी भी आश्चर्य में हूं, अब इनके इन बातों को बोलना कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये सारी बातों ऐसे शोभा भी नहीं देती है, ऐसा शब्द का प्रयोग इनको करना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब इनकी भाषा है मैं उसको ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं तो इतना कह रहा हूं कि आज भी झामुमो के लोग ये स्वीकार तो कर ले कि हाँ घुसपैठिए हैं और बात हो इस पर कि कैसे निकाला जाए, उसको कैसे यहां से बाहर किया जाए, ये तो मानने को ही तैयार नहीं कि घुसपैठिए हैं। हाँ। आज आप बताएं कोर्ट का ऑर्डर लेकर के अगर कोई गोपीनाथपुर में बैठा हुआ है कोई आदिवासी व्यक्ति और वो आदिवासी समाज का व्यक्ति उसकी जमीन वहां के घुसपैठिए छीन चुके हैं और उसको कोर्ट का आदेश है उसके पास कि इसकी जमीन वापस की जाए, यह सरकार एक एसपी को आदेश दे करके, वहां के थाना प्रभारी को आदेश दे करके और उस गरीब आदिवासी की जमीन वापस करा सकते हैं, लेकिन ये उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है, ये आदिवासी की हितैषी की बात करते हैं, आदिवासी मुख्यमंत्री खुद को बताते हैं, एक गांव में बगल के राज्य से आकर के और लोगों को मारा पीटा जाता है और आप चुप बैठे रहते हैं, वहां के आदिवासी समाज के लोग, वहां के लोग, उस गांव के लोग पाकुड़ में आप दहशत में है, वहां इनको पुलिस का कैंप लगाना पड़ गया है, ये क्या है, ये कोई भारत है, ये झारखंड है, अपना देश है या कोई पाकिस्तान है जहां के हिंदुओं की सुरक्षा के लिए लगाना पड़ गया, आप पुलिस कैंप देना पड़ गया, लोग गांव में सुरक्षित नहीं है, ये सरकार है, यहां की विधि व्यवस्था है, ये किसका काम है, ये सवाल उठा रहे हैं गृह मंत्री जी पर, ये प्रधानमंत्री पर सवाल तो उठाते हैं, अपनी ड्यूटी जो इनको करनी हो कर नहीं रहे हैं, एक गांव के व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, एक राज्य का मुख्यमंत्री, एक 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 राज्य का मुख्यमंत्री
झारखंड के किसी गांव में जाना चाहता है उसको रोक देते हैं, कहते हैं वहां की स्थिति ठीक नहीं है। हाँ। क्या बना के रख दिया? आप स्वयं कह रहे हैं कि स्थिति ठीक नहीं है। ठीक है सिपुजन जी, अरे आप स्वीकार कर लीजिए, बैठ के मिलके बात कीजिए, कहिए कि हाँ ये समस्या है, कैसे हल होगा। ऋषि जी जवाब दीजिए। ऋषि जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी नेता जितने बार मुंह खोलेंगे अपनी उपलब्धि पहुंचाने के लिए उतना ही नाकामी पहुंचता है। इनको ये मान क्यों नहीं रहे?